हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो भी बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाएँ। तो देखिए, जो पद्यांश दिया गया है वो पद्यांश मातृभूमि से रिलेटेड पद्यांश है। पद्यांश क्या होता है? कविता का अंश जो है उसको हम पद्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर कवि अपने मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने की बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, मन समर्पित, तन समर्पित और यह है जीवन समर्पित। कवि कहते हैं कि जो हमारी मातृभूमि है उस मातृभूमि का हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ऋण है, इतना ज़्यादा कर्ज है कि हम उसका ऋण, हम अपना तन मन धन सब कुछ देकर भी हम उनका ऋण जो है वो नहीं चुका सकते। ठीक है, तो कवि कहता है कि मैं अपना मन, अपना तन और अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है, मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा सारा धन ये काफ़ी नहीं है आपका ऋण चुकाने के लिए। जो आपके कर्ज हैं हमारे ऊपर उनको चुकाने के लिए इतना सा जो है ये जो मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। कवि कहता है कि माँ तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी धूल मिट्टी में हम खेलकर बड़े हुए हैं, तुम्हारे ही छाती पर हम जो है हमने चलना सीखा है, तो ये जो ऋण है ये बहुत ज़्यादा है और मैं इस ऋण को देखते हुए बिल्कुल गरीब हूँ। अकिंचन मैं गरीब हूँ, ठीक है, और इसीलिए मैं ऋण को नहीं चुका सकता, किंतु फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इतना कर रहा फिर भी निवेदन की, फिर भी एक कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ और मेरा आपसे ये निवेदन है, थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, यानी मैं अपना भाल क्या होता है, अपना मस्तक, अपना सिर, जब मैं अपना मस्तक जो है थाल में सजाकर लाऊं कि जब मैं आप मातृभूमि के लिए मैं अगर शहीद हो जाऊं और मैं तो मेरी उस मेरा जो मैंने आपके लिए किया है मेरा जो मस्तक है उसको आप स्वीकार कर लेना, कर दया स्वीकार कर लेना, यह है समर्पण। तो मेरा ये जो समर्पण है आपके लिए उसको आप स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे प्राण, मेरा गान, मेरा रक्त की एक एक बूंद वो आपको समर्पित है, मैं आपको, मेरे देश की धरती, मैं आपको और भी कुछ देना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कवि कहता है कि कवि यहाँ पे इन लाइनों से जो है क्या दिखाना चाहता है कि वो एक तरह से जैसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। शहीद होने के लिए तत्पर है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर है, उसके लिए कमर कसने को कमर कस रहा है। ठीक है कि मेरी जो तलवार है उसको मांझ दो, उसको तैयार कर दो, उसको तेज़ उसकी धार बना दो, अब और देर मत करो, कसकर मेरी कमर पे जो है ढाल मेरी कमर पे जल्दी बांध दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, कि जो मेरा मस्तक है उसके ऊपर मेरा जो है जो टीका है मातृभूमि जो मिट्टी है उसका टीका मेरे मस्तक पर लगा दो, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरे जो जितने भी सपने हैं, मेरे जितनी कल्पनाएं हैं, मेरी जितनी इच्छाएं हैं वो सभी आपको समर्पित, मेरे जीवन का एक एक क्षण जो है वो आपको समर्पित है, और मेरे जो सिर है उसके ऊपर जो आशीष है यानी मुझे आशीर्वाद दो, शीश पर आशीष की छाया घनेरी यानी मुझे अपने आप को आपके लिए समर्पित करने का जो है क्या दो, आशीर्वाद दो, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो यहाँ पे कवि कहता है कि मैं आपको और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो ये
कविता थी बच्चों। अब हम इसके कुछ देखिए प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले कठिन शब्द दिए गए हैं, फिर विलोम शब्द हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, और लास्ट में एक जो है क्या दिया गया है, सब कुछ समर्पण के बाद कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद भी लिखना है, आपको गतिविधि भी करनी है। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं 1 by 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर। पहला जो आपको टास्क दिया गया है, कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखिए। तो कठिन शब्द देखिए समर्पित यानी भेंट किया हुआ, दूसरा है अकिंचन यानी गरीब, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, आशीष का अर्थ है आशीर्वाद, शीश का अर्थ है सिर, और घनेरी का अर्थ क्या होता है, घनेरी का अर्थ होता है बहुत अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको, विलोम यानी उल्टे शब्द, निवेदन का अर्थ है आदेश, समर्पण यानी विरोध, आशीष यानी अभिशाप, दया का विलोम शब्द है निर्दयता, और धरती का क्या है गगन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न एक है, अभी प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या चाहता है। तो देखिए कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर चुका है, इसके अलावा कवि अपने सारे सपने, अपना मस्तिष्क और अपनी उम्र का एक एक क्षण मातृभूमि के लिए अर्पित करना चाहता है। प्रश्न दो है, कवि थाल में रखकर मातृभूमि को क्या भेंट देना चाहता है तथा क्यों। कवि जो है यहाँ पे बच्चों थाल में रखकर, कवि थाल में अपना मस्तक रखकर मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है, क्योंकि कवि का मानना है कि वह मातृभूमि का ऋणी है और वह इस ऋण को चुकाना चाहता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। कवि यह प्रार्थना कर रहा है कि जब वह अपने मस्तक को थाल में सजाकर उनको अर्पित करे तो वह उनके समर्पण को स्वीकार कर लें, ऐसा कवि जो है मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस और उसका स्थायी भाव लिखिए। तो प्रस्तुत जो कविता है उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 5, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो जो कविता है उसका शीर्षक आपको लिखना है, शीर्षक क्या होता है, जिसके बारे में कविता है, जिसके बारे में कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें किस बारे में पता चलता है, वो शीर्षक होता है। जैसे हमारी ये कविता मातृभूमि के लिए समर्पण है, ठीक है, तो मातृभूमि के लिए समर्पण इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, सब कुछ समर्पण के बाद कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो दिए गए पद्यांश के अनुसार कवि मातृभूमि पर अपना सारा जीवन न्योछावर कर देना चाहता है। कवि के अनुसार हमें अपने तन मन धन से देश की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि देश की मातृभूमि पर ही हमने जन्म लिया है और इसी की धूल में हम बड़े हुए हैं, और हमारे पूर्वजों ने इसे अपने खून से सींचा है, इसलिए हम इसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।